आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। बांदा के बिसंडा में पटाखा फैक्ट्री के अंदर हुए विस्फोट के बाद भीषण अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटना में घर और अपनों को खो चुके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि शाम करीब 7 बजे बिसंडा कस्बे में पटाखा फैक्ट्री के अंदर विस्फोट के बाद आग लगी थी। विस्फोट इतना जोरदार था कि आगे का पूरा मकान गिर गया। मकान के अंदर पटाखा बना रहे मजदूर और पूरा परिवार दब गया। रेस्क्यू कर परिवार को तो सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन पटाखा बना रहे मिस्त्री समेत 3 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मजदूर नाबालिग बताए जा रहे हैं। वहीं सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक यहां कैसे आया और लाइसेंस किस आधार पर दिया गया था। टोटल अब के 4 सब बरामद हुए हैं, एक घायल है जिसका उपचार चल रहा है, और जो भी आग लगी थी या फिर जो विस्फोट हुए थे उसके लिए हमने CFO की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जो ये बात का पता करेंगे कि किस कारण से विस्फोट हुआ, आग लगी और क्या डैमेज है, और भविष्य में इस तरह की घटना को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए भी सुझाव मांगा जा रहा है। NDRF की टीम पहुंची हुई है, क्या रेस्क्यू पूरा हो चुका है? NDRF की टीम को कॉल किया गया था, लखनऊ से चली थी, लेकिन हमारे लोकल ही हैंड्स इतने सक्रिय हो गए थे, जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, और एम्बुलेंस या फिर फायर की गाड़ियाँ, तो बहुत कम से कम समय में हमने ये सारी रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त कर दिया। मेरठ के परतापुर थाने क्षेत्र स्थित मोहिद्दीनपुर गांव के रहने वाले 27 वर्षीय युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि दीपक रात को घर से लापता हो गया था, जिसकी तलाश की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं लगा। वहीं अब दीपक का शव मिलने के बाद सूचना परिवार को मिली तो परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के चेहरे और शरीर पर खरोंच समेत मारपीट जैसे निशान पाए गए हैं, जिसके चलते परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई है। मेरठ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और SP ग्रामीण के आदेश अनुसार अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते ग्राम कुंडा में कार्रवाई करते हुए 2 शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया, जिसमें हजारों लीटर कच्ची शराब को नष्ट किया गया है, तो वहीं शराब बनाने के उपकरण भी नष्ट किए गए। बता दें कि मेरठ का खादर क्षेत्र कच्ची शराब बनाने और बिक्री के रूप में जाना जाता है। अयोध्या जनपद में आवारा पशुओं के लिए योगी सरकार ने गौशाला तो बनवा दी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जिला प्रशासन चारे की व्यवस्था नहीं करा पा रहा। गौशालाओं में गौवंश भूखे और बीमार होकर मर रहे हैं। इतना ही नहीं, इलाज के अभाव में भी गौवंशों की मौत हो रही है। हाल यह है कि बीमार पड़े गौवंश को कौवे नोच रहे हैं। अयोध्या जनपद में 17 गौशालाएं बनाई गई हैं, जिनके संचालन के लिए अलग अलग संस्थाओं को लगाया गया। ऐसे ही पूरा बाजार ब्लॉक में बैसिंग गौशाला को नगर निगम के सुपुर्द किया गया है। करीब 100 बीघा में बनी बैसिंग गौशाला भी मूलभूत सुविधा से महरूम है। गौशाला जो है नगर निगम के द्वारा संचालित है, इसमें हमने अभी तक 279 जानवर हमारे यहाँ आ चुके हैं, और 500 के करीब हमने टारगेट किया था कि 500 की रखेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ भी सकता है उसमें थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ यह है कि यहाँ हमने चारे की व्यवस्था की है, पानी की भी व्यवस्था की है, और बंधे से बनाया है। लेकिन जैसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारी फसल नष्ट हो गई, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा कि थोड़ा बहुत नील गाय वगैरह का भी है, और कुछ जो बाहर अभी छुट्टा जानवर हैं जिनको अभी पकड़ा नहीं गया है, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे, तो ऐसी किसानों की समस्या भी नहीं रहेगी। ऊपर से हम लोग की प्लानिंग चल रही है, भविष्य में आने वाले समय में बंदे पे हम लोग बैरिकेटिंग का भी प्लान कर रहे हैं, ताकि किसी भी किसान को किसी तरह से समस्या नहीं होगी। बस ये है कि हाँ, इसको मैनेज करने के लिए हमें 5-6 दिनों का समय चाहिए। इधर आप दे सकते हैं कि परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी हमारा जारी है, परमानेंट कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, और टेम्परेरी रूप में हमने ये टिन सेट वगैरह बना रखा है, और जानवरों के पानी खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और उनकी पहरेदारी करने के लिए भी आदमी नगर निगम के द्वारा लगाए गए। हरदोई की बेनीगंज कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गौकशी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचे समेत कारतूस, एक बाइक और कार बरामद की। इन लोगों ने बेनीगंज कोतवाली क्षेत्र में 21 जनवरी को गौकशी की घटना को अंजाम दिया था। हरदोई में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हरपालपुर में भारी मात्रा में सरकारी दवाएं जलाई गईं। इसमें कैल्शियम और आयरन जैसी दवाएं शामिल हैं। दवाओं को जलाने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र में अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से 200 मजदूरों को निकाले जाने से मजदूरों और स्थानीय लोगों में रोष है, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने बग्गा नाला ओबरा मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कंपनी ने मजदूरों को मनमाने ढंग से बाहर का रास्ता दिखाया है, तो वहीं कंपनी पर ओवरलोडिंग का आरोप भी लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझा कर जाम खुलवाया।
सिद्धार्थनगर जिले के बासी इटवा मार्ग पर डाइट स्कूल के सामने बेकाबू इनोवा और बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। घटना में 30 वर्षीय युवक ने दम तोड़ दिया जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतक बासी कोतवाली के कट्ठा गांव का रहने वाला है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। रायबरेली के मऊ गांव में किसानों ने मुहिम चलाकर करीब 50,000 आवारा पशुओं को खदेड़कर पूरे एहलादी स्थित जल निगम पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल के अंदर बंद कर दिया। किसानों ने बताया कि अगर सरकार और प्रशासन आवारा पशुओं से त्रस्त किसानों की समस्याओं पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेता तो जल्द ही मऊ ग्राम सभा किसान तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मखदुमपुर गांव पहुंचे जहां छात्रों के अलंकरण समारोह में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान भगवानपुर विधायक ममता राकेश समेत कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरीश रावत ने कहा कि छात्रों में सीखने की ललक होनी चाहिए तभी वो सफल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कर्मचारी हड़ताल पर हैं जो कि सरकार की नाकामी को साबित करता है। सरकार को कर्मचारियों से बात कर समस्या का समाधान करना चाहिए। कर्मचारियों से बातचीत करनी चाहिए। ये अभूतपूर्व पहला मौका है जब सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं। नहीं, कौन कर रहा है, नहीं जुट पा रहे, लेकिन सब एक ही दिशा में चलना आवश्यक है। इतना बड़ा प्रदेश है, सब अपने अपने तरीके से सब लगे हुए हैं। मैं भी अपने तरीके से लगा हूँ और कहीं जाएंगे परिवर्तन यात्रा में भी सम्मिलित हूँ। परिवर्तन यात्रा का जिक्र किया इन्होंने, हमारे सभी प्रोग्राम जो है चुनावी तैयारी का हिस्सा है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।